तो फ्रेंड्स, मैं ना इसको इस्त्री कर रही हूँ, झंडे को पाकिस्तान का। ये देखो, मैं पाकिस्तान के झंडे को इस्त्री किया क्योंकि ये बहुत मिद गए थे। ये हो गया, मैंने पीटीआई का झंडा भी जो है ना इस्त्री के लिए रखा हुआ है। ये भी इस्त्री करने लगी हूँ। ग्रीन सूट पहन रही, ग्रीन तो नहीं है, ब्लू है, ब्लू ग्रीन सूट है। पाकिस्तान है ये मेरा, पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान। ये जी हम लोग झंडा लहराते हुए 14 अगस्त के लिए जा रहे हैं। तो फिर मैंने आवाज़ इसकी बंद कर दी क्योंकि कॉपी क्लेम आता है। तो ये जी हमारा झंडा बुलंदियों की चोटी पे होता हुआ हम जा रहे हैं अपने रिलेटिव के घर, जहाँ पे हमने आतिशबाजी देखनी है। शेख रशीद की आतिशबाजी देखने गए थे लेकिन उन्होंने की ही नहीं है। तो फिर हम लोग इधर उधर की आतिशबाजियाँ देख के और फिर हम लोग 5 बजे घर आए थे। तो ये है जी मरी रोड, हम लोग कमेटी चौक वाले साइड पे जा रहे हैं। तो यहाँ से अब जब जा रहे हैं तो रैली गुजर रही थी, पीटीआई जिंदाबाद की रैली थी इस राइट साइड पे मेरे, और मैं लेफ्ट साइड पे बैठी हुई थी। तो इसलिए मुझे मैं लेफ्ट साइड पे बैठी हुई थी और वो रैली राइट साइड पे गुजरती थी। खैर, फिर मैंने थोड़ा सा जुगाड़ जुगूड़ लगा के बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा ना, बाजू को राइट साइड पे घुमाने की कोशिश की। तो ये जी और ये रैली गुजर रही है, पीटीआई की रैली थी और झंडे पीटीआई के और पाकिस्तान के झंडे थे। तो और ये हमारा सबसे बड़ा झंडा, और मुझे अब जब भी मैं वीडियोस आप लोगों की बनाती हूँ तो मुझे ये डर लगा रहता है कि कहीं मेरा मोबाइल ही कोई छीन के ना ले जाए। खैर, और सॉन्ग लगे हुए हैं, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान। मेरे पाकिस्तान जैसा कोई भी धर्म, कोई भी कंट्री नहीं है। सब सबके लिए अपनी अपनी कंट्री प्यारी होती है, लेकिन मेरा पाकिस्तान बहुत प्यारा है। और ये जी अंकल जी जा रहे हैं बाइक पे, पता नहीं कौन है। मज़ा आया। और ये आपको नज़र आ रहे होंगे पीटीआई के झंडे, ये बहुत बड़ी रैली थी। और ये जी हम लोग घर आ गए थे तो बच्चों और सबको मैंने फेस पे पेंट बना के दिए थे। मैं इसे साथ अपने साथ पेंट भी लेके गई हुई थी, तो मैं सबको बुला रही थी। और ये हमारी आतिशबाजी का सामान था जो कि हमने ऊपर छत पे आतिशबाजी करनी थी। तो ये पॉम पॉम थे, ये 2 डिब्बे हमने लाए थे, फुलझड़िया का 12 केक 6 का पैक था, टॉफी व पटाखा और डिफरेंट। तो ये तो किसी और की छत पे, हम छत पे चले गए तो ये किसी और की छत पे अनार चल रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने कहा पीछे क्यों रहे, तो हमने भी अनार चलाना शुरू कर दिए। तो ये जी अनार स्टार्ट होने वाला है और बहुत मजे का, ये देखो यू था, ये फुट फुट करके ना ये कैंडी पटाख है, फुटता है, फुट गया, चलो टाटा बाय बाय। सामने घर वाले बहुत ज़्यादा अनार चला रहे थे और यहाँ पे बच्चों को फुलझड़ियाँ लगा के दी, तो फुलझड़ी लग ही नहीं रही थी, इतना घंटा लगा दिया था फुलझड़ी ने। ये जी फाइनली फुलझड़ी ऑन हो गई, लग गई, जल गई, और अब बच्चे डर रहे हैं। खैर, लगा दी। ये सब बच्चों को फुलझड़ियाँ दी जा रही है, बड़े बच्चे। फिर मैंने भी ले ली थी, मैंने कहा मुझे भी दे दे एक फुलझड़ी, लेकिन वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी, ख़त्म हुई। फिर मैंने पहन दी क्योंकि मैं मुझे ना पटाखों से बहुत ज़्यादा डर लगता है,
वो ख़त्म नहीं हो रही थी, फिर मैंने फेंक दी क्योंकि आज पास बहुत ज़्यादा फायरिंग और ये वो हो रहा था। तो फिर ये जी हमारे जश्न आज़ादी का दिन जो हमने स्पेंड किया, कि मेरी कज़न को मैंने मोबाइल दिया हुआ था तो उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई थी, एक हाथ में फुलझड़ी और एक हाथ में मोबाइल। बच्चे डरते भी हैं और फिर इन चीज़ों को पिक भी करते हैं। मैं तो डरती हूँ इसलिए मैं तो नहीं, मैं आई डोंट लाइक फाइबर्स। तो ये जी फुलझड़ियों का सिलसिला ख़त्म हुआ। उसके बाद ये जी 12 बज गए थे तो यहाँ पे 12 बजने के फौरन बाद ही यहाँ पे जो है ना आतिशबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। लोगों ने आतिशबाजी करना शुरू कर दी, हमने भी बहुत सारी की क्योंकि हमने भी काफ़ी ज़्यादा सारा सामान लेके गए हुए थे। तो ये जी ये देखिए इसको लाइक जरूर करिएगा और मेरी वीडियो फुल देखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, खत्म। ये था हमारा 13 अगस्त की रात, 14 अगस्त की रात के जो हम स्पेंड किए वो डी। तो चिकन पीस थे सर कबाब का साथ। बाय बाय। और फिर हमने खाना वगैरह खाया, कबाब थे, कबाब का सामान था, चटनी थी और चिकन पीस थे और करतने थी बारबेक्यू पर। तो मज़ा आया।